स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम सिक्स क्लास का मैथ करेंगे। ये न्यू लर्निंग मैथमेटिक्स ML अग्रवाल की बुक है और इसका जो चैप्टर 8 हम कर रहे थे डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 का, क्वेश्चन 8 करेंगे हम। क्वेश्चन 8 में गिवन है राहुल बोट 4 kg 90 ग्राम एप्पल्स एंड 2 kg 60 ग्राम ग्रेप्स एंड 5 kg 300 ग्राम मैंगोज। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट्स ही बोट। अब उसने जितने टोटल फ्रूट खरीदे उन सबका वेट हमें बताना है। पहले उसने जो राहुल ने एप्पल्स बोट किए हैं उनका वेट, वेट ऑफ एप्पल कितना है 4 kg और 90 ग्राम। अब ये जो 90 ग्राम है इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो यू नो कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में अगर हमें केजी बताने हैं तो क्या करेंगे, 1/1000 kg कर देंगे। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया भी था। फिर ये तो केजी ही हमारे पास, तो केजी फिर प्लस, फिर ये जो 90 ग्राम है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में, तो नीचे करेंगे 1000। अब नीचे 30 है तो हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, तो 2 डिजिट्स तो हमारे पास है, 10 हमने लगा ली और फिर डेसिमल, फिर ये 4 है, ये एज इट इज लिख देंगे। अगर आप इसको अलग से भी प्लस करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। मैं सिंपल वे में आपको बताया कि 4 को ऐसे ही लिख दो डेसिमल से पहले, ठीक है। तो ये केजी आ गया। अब वेट ऑफ ग्रेप्स का निकालेंगे, 2 kg 60 ग्राम है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 2 kg आगे लिखेंगे, फिर 60/1000 करेंगे। इसमें फिर से हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है, 1 हम 0 लगा देंगे, फिर डेसिमल और फिर 2, ये कन्वर्ट हो गया केजी में। अब फिर वेट ऑफ मैंगोज निकालेंगे, 5 kg और 300 ग्राम है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 5 प्लस और 300/1000। इसको आप या तो देखो 0 से 0 कट हो गई, ये 2 0 से 0 0 से 0, नीचे 2 है ऊपर भी जो है 3/10 बच गया, तो नीचे 10 है तो हमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए, तो 5.3 लिख दो या बगैर 0 कट किए सीधा ऐसे लिख दो, क्योंकि जब हम प्लस करेंगे तब भी हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0 लगानी ही पड़ेगी। अब वेट, अब टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, अब उसने जितना टोटल फ्रूट्स खरीदे हैं उनके हम टोटल वेट कैसे करेंगे पता, ये सबको प्लस कर देंगे हम, सबको प्लस करने पे आ जाएगा, ये देखो 0 की 0 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 और 3 और 1 4 और 5 और 2 6 और 5 11, नहीं 11.450 केजी आ गया सबका टोटल वेट ऑल फ्रूट्स का। अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 में है रानी हैज, रानी के पास 18.50 रुपए हैं और उसने आइसक्रीम खरीद ली 11.75 की, हाउ मच मनी डज शी है, बताओ किस उसके पास अब कितने, रानी हैड मनी कितने थे, 18 रुपीज 50 पैसा थे उसके पास, उसने बोट आइसक्रीम कितने की खरीद ली रुपए 11.75 की, मनी लेफ्ट कितने बच गए, इसमें से इसको सीधा माइनस कर देंगे, माइनस करने पे आ जाएगा इधर से कैरी आएगा 10 में से 5 काटेंगे 5, ये 4 बच गया, कैरी लेंगे 14 में से 7 काटा 7 और इधर बच गया 7, 7 में से 1 काटा 6 और 1 में से बन गया 0, तो रुपीज आ गए 6.75, उसके पास 6.75 रुपए बच गए, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन 9, नहीं ये क्वेश्चन 9 तो किया ही हमने, ये क्वेश्चन 10 करेंगे अब हम। क्वेश्चन 10 में है टीना हेड, टीना के पास 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर एक कपड़ा है, उसने उसमें से काट लिया है 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर लेंथ का एक टुकड़ा काट लिया है जो कर्टेन बनाने, पर्दा बनाने के लिए, बताओ उसके पास अब कितना कपड़ा बच गया, तो टीना हेड क्लोथ इतना क्लोथ है उसके पास, इसको हमें ये सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1/100 कर देंगे, हमारे को हमें 5 का बताना तो 5/100 कर देंगे, 20 को आगे लिख लेंगे प्लस 5/100, डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए बिकॉज हमारे पास 100 है, 100 में 20 है, तो 1 तो हमारे पास है ये 5 1 डिजिट है, 1 हम लगा देंगे होगी तो, और फिर डेसिमल और फिर ये 20 एज इट इज, ये आ गया मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसने कितना क्लोथ काटा, सीकट क्लोथ 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का उसने एक उसमें से टुकड़ा काट लिया कपड़े का, अब इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 4 + 50 + 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, 2 हमारे पास है ऊपर, तो 50 फिर ये 0.4 4.50 मीटर
हम क्या करूंगा डीएमीटर में। अब लेफ्ट क्लॉथ कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे जो टोटल था, टोटल में से इसको माइनस किया तो ये आ गया 15.55 मीटर आंसर। ठीक है, ये उसके पास कपड़ा बच गया। अब लास्ट क्वेश्चन 11 करेंगे। रूबी बोट ए वाटरमेलन, रूबी ने एक वाटरमेलन खरीदा जिसका वेट है 5 kg 300 ग्राम, आउट ऑफ विच शी गेव 2 kg, उसमें से उसने 2 kg और 680 ग्राम अपने नेबर को दे दिया। व्हाट इज द वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विद रूबी। अब हमें बताना रूबी के पास कितना वाटरमेलन बच गया, कितने वजन का मतलब। अब टोटल वेट वाटरमेलन का था 5 kg 300 ग्राम, इसको कन्वर्ट किया ग्राम को केजी में, 5 + 300/1000। अब ये देखो 30 चाहिए, नहीं मतलब 30 तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो 3 ऊपर है, पॉइंट लगाया 5 एज इट इज, ये हो गया केजी में कन्वर्ट। अब उसने सी गेव टू हर नेबर को कितना दे दिया, 2 kg 680 ग्राम, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे केजी में, 2+ लिखा, 680/1000 किया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास है तो ये लिख दी और फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 2 एज इट इज, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब वाटरमेलन लेफ्ट कितना बच गया उसके पास, इसमें से जो उसके पास टोटल था उसमें से जो उसने दे दिया उसको कर देंगे माइनस, ये कुछ नहीं है, ये 680 है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऑलरेडी ये लाइक डेसिमल में ही है पहले ही, तो लिखा और सिंपल माइनस कर दी तो माइनस करने पर आ जाएगा 2.620 केजी वाटरमेलन उसके पास अभी बच गया। ये मतलब चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो प्लीज वीडियो को बार बार देखें, और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता तो मैं हूं आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, मेरे से आप किसी भी समय कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, ना ही उन्हें प्लेलिस्ट ढूंढनी आती है। बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम हमें वो चैप्टर चाहिए, जबकि वो चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे होता है। आप चैनल पे जाएं, होम होता है, फिर वीडियोज होते हैं, फिर प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, वहां हर क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, और अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट करके आप किसी भी चैप्टर के लिए लिंक मांग सकते हैं, मैं तुरंत सेंड करती हूँ, मैं समझती हूँ कि बच्चों को इसकी जरूरत है तभी उन्होंने बोला है। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।